गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। तो भैया हम इस समय बात कर रहे हैं हमारे क्लास के 9th क्लास के जो हमारे प्यारे नन्हे छोटे बच्चे हैं उन सभी के साथ। सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी इस क्लास में। और आई होप अभी तक हमारे जो बच्चे हैं हमारे साथ जुड़ना स्टार्ट कर चुके होंगे। तो यार सभी बच्चे जल्दी से काम करेंगे, हमारी जो ये क्लास है इसको जल्दी से हमारे ग्रुप्स में भेज दीजिए, जहाँ पर टेलीग्राम व्हाट्सएप कोई भी आपका ग्रुप हो, है ना। व्हाट्सएप पर भी अगर आपके कोई ग्रुप है तो वहाँ पर भी आप इस क्लास को भेज सकते हैं। क्लास की शुरुआत में ही मैं कुछ चीज़ें आपको बहुत ही क्लियरली बोल देना चाहता हूँ कि हमारा जो ये चैप्टर है जिसका नाम है लोकतांत्रिक अधिकार, ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ से पता चल जाती है कि यार हमारे लिए ये चैप्टर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ एक और चीज़ जिसका हमें ध्यान ये रखना है कि आज कमेंट सेक्शंस में या जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे वो केवल और केवल क्या करेंगे भैया, पढ़ाई पर फोकस करेंगे, ना कि इधर उधर की चीजों पर हम बात करेंगे। क्लियर है? हमारा जो ये चैप्टर है लोकतांत्रिक अधिकार, इसको हम बिल्कुल ऑफिशियली एकदम स्टार्ट करने वाले हैं। बढ़िया तरीके से आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हर पहलू के ऊपर जिक्र करेंगे। फिर चाहे वो लोकतंत्र हो, लोकतांत्रिक का मतलब हो अधिकार हो, मौलिक अधिकार हो, लोकतांत्रिक अधिकार हो, क्या है, क्यों है, कब से है, कितने प्रकार से है, क्या क्या नाम है, क्या क्या प्रोसीजर है, उन सभी के बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन आप सभी को सब्र के साथ इस पूरे की पूरे अध्याय को पढ़ना है, यानी कि कोई जल्दबाजी करके गड़बड़ नहीं करनी है। तो आई होप आप सभी बच्चे अब रेडी हो चुके होंगे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी हमारे बच्चे थम्स अप देंगे, ठीक है। थम्स अप का मतलब क्या है, बाकी बच्चों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि यार बच्चा ये रेडी है, हम भी रेडी हो जाते हैं हमारे इस नए अध्याय के लिए, हमारे इस नए चैप्टर के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और शुरुआत जो हमारी होगी वो हमारी शुरुआत होने वाली है लोकतांत्रिक अधिकार है भाई, चैप्टर का नाम हम यहां लिखेंगे। लोकतांत्रिक अधिकार। अब लोकतांत्रिक अधिकार जो हमारा है इसको हमने दो वर्गों में बांट देना है, एक लोकतंत्र और एक क्या आ जाएगा आपका अधिकार। अब लोकतांत्रिक अधिकार हो या लोकतंत्र अधिकार हो, अगर हम इन सभी के बारे में बिल्कुल स्पेसिफिक या बिल्कुल एक अलग अलग तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों का शासन होता है। लेकिन इस तरीके से लिखने में हमें पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते, चांसेस हैं कि हमारे जो मार्क्स हैं वो काट सकता है एग्जामिनर, कहेगा यार लोगों का शासन कहाँ होता है, लोग थोड़ी शासन करते हैं, अगर लोग शासन करते तो सरकार की जरूरत ना पड़ती। तो यहां पर हम इस परिभाषा को एकदम परफेक्ट लेकर चलेंगे जिसमें हम ये बता सकते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव होते हैं। ये चुनाव आगे जाके क्या करते हैं, जब चुनाव होगा हमारी जो आम जनता है ये अपने प्रतिनिधि प्रतिनिधि चुनती है। अब जब ये अपने प्रतिनिधि चुन लेगी, जी हाँ, एक परफेक्ट डेफिनेशन की तरफ ही जा रहे हैं हम, जी हाँ बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन की बात कर रहे हैं हम। तो लोकतंत्र है, चुनाव है, आम जनता जो है ये अपने प्रतिनिधि चुनती है। अब चूंकि ये अपने प्रतिनिधि चुनती है तो इस वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि जो चुने हुए व्यक्ति हैं वो जनता के द्वारा भेजे गए लोग हैं। अब ये जो प्रतिनिधि है, ये जो लोग जो चुने गए हैं, ये आगे जाके क्या करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं, ये लोग सरकार का निर्माण करते हैं।
तो यहाँ पर इन तीनों पॉइंट से हमें एक बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन मिल जाती है, जिसमें हम ये डालेंगे कि लोकतंत्र वह शासन प्रक्रिया है जिसमें चुनावों के द्वारा, आम चुनावों के द्वारा आम जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, ये प्रतिनिधि आगे जाकर सरकार का निर्माण करते हैं और ये जो सरकार है ये क्या करती है, देश को चलाने का काम करती है। तो लोकतंत्र की आपने यहाँ पर एक बहुत अच्छी परिभाषा दे दी है, जिसमें आपने बारीकियों का जिक्र भी कर लिया है। साथ साथ मैं आप लोगों को, सभी बच्चों को नोट करने का समय भी देता चलूंगा, ठीक है, तो उसमें भी आप लोगों को घबराना नहीं है, साथ साथ नोट करते चलना है सभी प्यारे बच्चों को। तो लोकतंत्र के बारे में मैं आप लोगों को यहां बता चुका हूं। अब जो दूसरा पड़ाव हमारा आता है, वो दूसरा पड़ाव हमारा है अधिकारों के ऊपर। किसके ऊपर है? अधिकारों के ऊपर है। अब ये अधिकार क्या होते हैं? अंग्रेजी में हम इनको राइट्स, यानी कि जो हमारी ताकत है, शक्ति है, उसके तरीके से भी बोल सकते हैं कि अधिकार और कोई नहीं बल्कि वे राइट्स हैं, वे हमारे पास वे अधिकार हैं जिनका प्रयोग करके हम जीवन को आसान बना सकते हैं। अब अधिकार का मतलब होता है कि इसका आप पर पूर्ण अधिकार है, यानी कि आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो या आप एक तरीके से इन चीज़ों का प्रयोग करके अपने जीवन को आसान बना सकते हो। अब अधिकारों का जिक्र करें तो यहां पर मौलिक अधिकार अगर मैं लिखूं तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है मौलिक अधिकारों का मतलब? कमेंट सेक्शन में मौलिक अधिकार की डेफिनेशन आप डाल सकते हैं। ये जो डेफिनेशन आप लिखेंगे ये मैं क्लास समाप्त होते ही आप लोगों की डेफिनेशन कमेंट सेक्शन से चेक कर लूंगा। क्लियर है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का जिक्र यहां पर इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल से मतलब क्या है कि इसकी जरूरत सभी को है। क्या है? फंडामेंटल जो है, मौलिक अधिकार जो है, इनकी जरूरत सभी को पड़ती है। यानी कि मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में, अगर भारत की मैं बात करूं, तो हमें कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये 6 मौलिक अधिकार लगभग लगभग इसकी जरूरत सभी को होती है। अब एक एक करके समझने का प्रयास ये करेंगे कि यार हम एक एक मौलिक अधिकार की महत्वता को जानते हैं। इसको यहां तक जल्दी से बेटा आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को नोट करने का समय देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। साथ साथ ये भी बता देता हूं कि ये एक नया अध्याय है, तो भैया इधर उधर के प्रश्न मत पूछिए। जब आप लोग चैप्टर का नाम पढ़ सकते हैं तो आप ये भी पता लगा सकते हो कि भैया एक नया चैप्टर है क्या ये। साथ ही साथ भाई एक चीज का और ध्यान रखना है कि हमारी क्लास में यार अगर आप लोग बिल्कुल इस तरीके से बैठे हैं कि यार हमें हर चीज बिल्कुल एकदम करी कराए मिल जाए, एक एक शब्द ओहो इस तरीके से मिल जाए, तो भाई इस तरीके की आदत को छोड़ दो। क्लास 9th में हो आप लोग और छोटे बच्चे अब आप लोग नहीं रहे हो, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अब तक इसके अंदर डाल चुका हूं और आप लोगों को स्टोरी की तरह समझा भी चुका हूं। तो सुनना, देखना, नोट करना, तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी चीज आप लोगों ने मिस करी तो भैया नहीं समझ पाओगे कॉन्सेप्ट। अधिकारों की बात कर रहे थे हम लोग। अधिकारों तक जाने से पहले एक बार दोबारा से मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि हमारे जो ये अधिकार हैं कब से हैं, क्यों हैं और क्या हैं। ये तीन प्रश्न हमारे यहां बनते हैं, कब, क्या, क्यों। ये तीन प्रश्न हमारे यहां से बनते हैं, कब, क्या और क्यों। अब अगर मैं इन तीनों प्रश्नों को एक एक करके इनका जवाब देना चाहूं तो हम ये कह सकते हैं कि कब, कब यानी कि व्हेन, व्हेन यानी कि टाइम पूछना चाह रहा है आपसे कि यार हमारे मौलिक अधिकार अस्तित्व में कब आए और किस तरीके से आए। तो ये हम भलीभांति जानते हैं कि मौलिक अधिकारों का जो एक महत्व था वो हमारी संविधान सभा ने देखा, और जब संविधान का गठन किया जा रहा था तो उसके अंदर हमारे मौलिक अधिकारों को एक विशेष स्थान दिया गया। अब ये जो मौलिक अधिकार हमारे हैं इनको जब विशेष स्थान, विशेष दर्जा दे दिया गया, तो ये क्या कहना सही नहीं होगा कि मौलिक अधिकारों की जो उत्पत्ति है वो सही संविधान के साथ ही शुरू हो गई है। तो संविधान निर्माण
तो संविधान निर्माण के साथ ही हमारे मौलिक अधिकार भी अस्तित्व में आ गए। उससे पहले भी कई बार इन चीज़ों को लेकर स्ट्रगल चल रहा था कि यार ये चीज़ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजी शासन काल में भी कई सारी समस्याओं को हमें जूझना पड़ा था, हमारे कई सारे अधिकार जो कि एक नागरिक को मिलने चाहिए। भाई हम तो भारत के निवासी थे, हम अंग्रेज जो थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो ब्रिटेन था, वो तो एक तरीके से बाहर से आके हम पर शासन कर रहा था ना, वो वहाँ के मूल निवासी नहीं थे, हम हैं मूल निवासी। तो अगर वो हमें ही अधिकार नहीं देंगे तो भाई किस प्रकार का ये शासन है? ये तो एक तरीके की तानाशाही हो गई कि आप जबरदस्ती टिके हुए हैं, और आपके टिके रहने के पीछे केवल एक ही कारण है, और वो कारण है कि यार कैसे भी करके भारत से ज़्यादा कच्चा माल, सोना और पैसा यहाँ से ले जाकर बाहर अपने देश में ले जाया जा सके। तो ये मोटिव था उनका, इसके अलावा कोई और मोटिव नहीं था। यहाँ तक कि कई लोग ये तर्क भी देते हैं कि यार एजुकेशन लेकर आए हैं, साथ साथ आपका जो रेल यातायात है उसको लेकर आए हैं, तो भाई रेल यातायात वो लेकर आए थे ताकि यहाँ से कच्चा माल बंदरगाहों तक ले जाया जा सके और बंदरगाहों से वो अपने देश ले जा सके। एजुकेशन को पर जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, उसको लाने के पीछे कारण क्या था कि वो ये चाहते थे कि जितने ज़्यादा लोग पढ़ लिख जाएंगे और अपने मूल जो इनका बेसिकली जो भारत की जो जड़ें हैं उनसे दूर हो जाएंगे किसी तरीके से, तो अंग्रेजों के लिए या इनके लिए जो उपनिवेशिक शासन जिन्होंने किया उनके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी टैकल करना। क्योंकि क्या है, पढ़े लिखे लोगों की कमजोरी भी होती है, ये भी आप लोगों को समझ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ना लिखना ताकत ही है, नहीं बिल्कुल नहीं, कमजोरी भी होती है। कई बार क्या होता है कि हम कई ऐसी विचारधाराओं को समझते हैं और हम नई नई विचारधाराओं को अपनाने का प्रयास करते हैं। यानी कि अगर हम ये बात करें कि यार कई लोग अंग्रेजों के फेवर में भी थे कि यार अंग्रेजों को नहीं जाना चाहिए, कुछ इस तरीके के भी लोग फेवर में थे, और इसके पीछे कारण ये था कि यार वो विकास करवा सकते हैं। अरे भाई विकास क्या करवा सकते हैं, 200 साल उन्होंने शासन किया, 200 में से 180 साल तो 190 साल तो उन्होंने केवल और केवल शोषण ही किया है, बचे हुए 10 साल में उन्होंने दो चार चीज़ें कर दी, उसमें भी उनका अपना ही बेनिफिट था, अपना ही फायदा था। तो इस तरीके की चीज़ों से फंसना नहीं है, इस तरीके की चीज़ों से अपने जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं या जो आप लोगों को जो चीज़ें पता हैं उनसे दबना नहीं है, आप लोगों को अपना स्टैंड लेना आना चाहिए, इस चीज़ का आप लोगों को क्या है ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो कायदे से संविधान के लागू होते ही उसकी इसकी महत्वता को समझा गया। ऐसा नहीं है कि भाई एकदम बिल्कुल सारे के सारे एकदम लिस्ट प्रॉपर बन गई। देखिए इसको समझने का एक तरीका ये है कि आप लोग मान लेते हैं कि आप पहली बार कोई खाना बना रहे हैं, इसको इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आपने दाल बनाई, दाल चावल आप बना रहे हो, फर्स्ट टाइम आप बना रहे हो, आपको महत्वता पता है, आपको पता है कि चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, दाल में अच्छे प्रोटीन होता है, और आप दाल चावल खाओगे तो आपको एक अच्छा संतुलित आहार मिलेगा, आपको पता है, जानते हो आप। आप बनाने चले, पहली बार हो सकता है चावल कच्चे रह जाएं या ज़्यादा उबल जाएं, पक जाएं ज़्यादा, टूटने लग जाएं, बहुत एकदम पानी बन जाएं, चांसेस हैं पूरे। इसके अलावा एक काम और हो सकता है कि दाल आप बनाने जाएं, हो सकता है मिर्च डालना भूल जाएं, नमक ज़्यादा कम हो जाए, मिर्च ज़्यादा कम हो जाए, दाल कम पकी हो, आपने दाल में तड़का ज़्यादा ना लगाया हो, तो ये जो चीज़ें होती हैं क्या करती हैं, ये एक तरीके से हम यहाँ पर एक चीज़ ये देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ की महत्वता का अगर आपको पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से उस चीज़ में एकदम निपुण हो जाओगे, आप एकदम उसमें ऐसे सक्षम हो जाओगे कि आपको आप एक ही बार में सारी सफलताएं हासिल कर लोगे, ऐसा नहीं है। तो उसी तरीके से मौलिक अधिकारों की महत्वता का पता चल गया था, लेकिन महत्वता का पता चल जाने से काम नहीं बनता है। मौलिक अधिकारों को सही ढंग से संविधान में स्थान मिला, उसमें समय लगा। संविधान लागू होने के बाद भी इस चीज का जिक्र था, लेकिन समय लगा उस चीज का, और समय लगने के साथ क्या हुआ, वो चीज और बेहतर होती गई, ठीक है। इसको एकदम एक बुकमार्क की तरह एकदम नोट कर लेना अपने दिमाग में कि भैया इस तरीके का प्रोसेस था। बुकमार्क पूछोगे तो भैया बुकमार्क आपको ध्यान है, किताबें होती हैं, किताबों में हम एक पत्ती सी लगा देते हैं यार ये दिखाने के लिए कि हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो वही बुकमार्क होता है, असली बुकमार्क तो वही होता है। दूसरा बुकमार्क एक और ये हो जाता है कि आपने देखा होगा आपका लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर यूज़ करते हो या फ़ोन वगैरह यूज़ करते हो, नेट यूज़ कर रहे हो, क्रोम वगैरह इन पे, फायरफॉक्स वगैरह पे, तो स्टार का साइन आता है, टिक कर दोगे तो वो सेव हो जाएगा एज अ बुकमार्क, तो वही एक प्रोसेस है। खैर ये तो आउट ऑफ द बॉक्स हम चले गए, तो वापस आते हैं टॉपिक पे और क्या के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या की अगर मैं बात करता हूं, तो क्या में क्या है भैया, अधिकार होते क्या है, तो ये हमारी सुरक्षा के लिए है।
हमारी सुरक्षा के लिए इन अधिकारों का निर्माण करा गया है। ठीक है, कैसे? अगर हम हमारे एक अधिकार का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आज इसी क्षण आपसे स्वतंत्रता का अधिकार छीन रहा हूं, तो इसका मतलब आप जानते हैं क्या होगा? आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। मैं आपको बोल दूं स्वतंत्रता का अधिकार आपका रद्द होता है, अब आप स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और ये कायदे कानून मैंने बनाए हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, सभी लोग मीठा खाना बंद कर देंगे, सभी लोग केवल करेले की सब्जी खाएंगे, या सभी लोग स्कूल जाएंगे, पूरे टाइम स्कूल में रहेंगे, पूरे टाइम पढ़ते रहेंगे, कोई खेल कूद नहीं होगा, मोबाइल फोन सभी से ले लिया जाएगा, किसी को भी हंसने की इजाजत नहीं है, सब रोएंगे, हंसेगा कोई नहीं, सब रोएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे स्वतंत्रता आपकी छीन रहा हूँ और आप पे कायदे कानून लगा के आपको पाबंद बना रहा हूँ अपना, यानी कि आपको अपने अंकुश में लेने का प्रयास कर रहा हूँ, स्वतंत्रता आपकी छीन रहा हूँ मैं। कैसा लगेगा, कैसा लगेगा भाई, बताइए जरा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगेगा, भर जाना चाहिए कमेंट सेक्शन। तो बेकार लगेगा, हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, हमें ऐसा लगेगा कि यार इससे बढ़िया तो भाई ये इंसान ना ही होता तो बेहतर था, पता नहीं किस इंसान के, किस बेरहम इंसान के चंगुल में हम आ गए हैं कि यार अब तो जीना ही इस इंसान ने हमारा दूभर कर दिया है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का हमें सामना करना पड़ रहा है इस व्यक्ति के होने से, भैया इसको हटा दो कैसे भी करके, ऐसे ख्याल आएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे जो मौलिक अधिकार है, क्या है, हमारी सुरक्षा है, एक तरीके से साधारण भाषा में बोल सकते हो कि हमारी सुरक्षा का उपाय है, अगर मौलिक अधिकार छीन लिए जाएं तो खत्म है मामला। इससे अगला जो हमारा जवाब आता है क्यों का, क्यों यानी कि जरूरत क्यों है इसकी हमें, इसकी जरूरत हमें इसलिए है ताकि हम शोषण से बचा सके, शोषण न हो। अब भाई शोषण नहीं होगा कैसे नहीं होगा, अब मैंने आपको पिछला उदाहरण दिया स्वतंत्रता वाला, तो मैं वो सारे अंकुश लगा के सब चीजें करके एक तरीके से शोषण ही कर रहा हूं, आप लोगों को मेंटली फिजिकली टॉर्चर कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, यही कर रहा हूं, शोषण कर रहा हूं मैं आप लोगों का, और क्या हो रहा है, यही हो रहा है। अब शोषण अगर मैं आपका कर रहा हूं तो शोषण कई तरीके का हो सकता है, जैसे स्वतंत्रता के बारे में हम जान चुके हैं, हम समानता के अधिकार पर बात कर लेते हैं। समानता के अधिकार में सभी लोगों को एक समान दर्जा दिया गया है, अगर उस अधिकार को मैं छीन लूं तो जो दर्जा आपको मिला हुआ है कि यार आप सभी लोग एक समान है, वो आपसे छीन जाएगा। इसका मतलब जिस जाति प्रथा, जिस छुआछूत जो थी कि भैया एक छोटी जाति का इसको मत छुओ, इसके साथ बैठ के खाना मत खाओ, अरे भाई ये दूसरी जाति का है, ये हमारे में से नहीं है, अगर इस तरीके की चीज़ें वापस आ जाएंगी तो क्या होगा, समाज ऊपर बढ़ने की जगह नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, है ना, समाज को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचेगी, समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ इस प्रकार की सारी सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, समझे? ठीक है, तो शोषण न हो इस चीज के लिए मौलिक अधिकार जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि यार हमने कब पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, क्यों पढ़ लिया, तीनों पहलुओं पर हमने नजर डाल ली है। अब भैया हमें आप ये बता दीजिए कि हमारे मौलिक अधिकार हैं कितने प्रकार के, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं हमारे, मौलिक अधिकार, ये अधिकार हैं आपके छह प्रकार के, मुख्यतः छह प्रकार के हैं, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट अधिकार आ जाते हैं इसके अलावा भी, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये छह अधिकार कौन कौन से हैं, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में इन अधिकारों के नाम लिखना शुरू करेंगे, कोशिश करना है कि आप लोगों को एक ही लाइन में, अपने एक ही कमेंट में इन छहों के छह अधिकारों के नाम आप डाल दीजिए, वरना ऐसे क्लास के बाद मेरे लिए बहुत पॉसिबल नहीं रहेगा कि यार अगर आप एक एक कर रहे हैं तो मैं कैसे जज कर पाऊंगा कि किसी बच्चे को कितना आता है। छह प्रकार हैं, छह प्रकारों के अगर मैं नाम लिखूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक अधिकार बन जाता है वो है हमारा, या सबसे इंपॉर्टेंट इसको नहीं कहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे आखिरी आपका होगा। पहला जो अधिकार हम बताते हैं यहां पर वो है समानता,
क्या है, समानता का अधिकार। सेकंड पॉइंट क्या है, पहला क्या है, समानता का अधिकार। सेकंड जो पॉइंट हमारा आता है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार यानी कि सभी लोग एक समान हैं, किसी के साथ आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते हो, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, आर्थिक स्थिति के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। कोई अमिताभ बच्चन है, कोई उसके घर के बाहर बैठा भिखारी है, ठीक है, मानते हैं कि आर्थिक रूप से वो बहुत ज़्यादा एक अमीर है और एक बहुत ज़्यादा गरीब है, लेकिन अगर किसी गरीब के साथ गलत होता है तो सरकार, कोई पुलिस या कोई भी संस्था इस बेसिस पर उसको ये नहीं कह सकती कि भाई हम आपकी मदद नहीं करेंगे क्योंकि आप गरीब हैं। ये क्या है, संविधान का उल्लंघन कहलाएगा साफ साफ शब्दों में, ठीक है। उसके बाद तीसरा आएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारा, उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आपको पूर्ण आजादी है, पूर्ण स्वतंत्रता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, है ना, या कोई और फलाना ढिमकाना आप यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं जिसका आपका मन है। आप किसी भी जाति में तो नहीं जाया जा सकता है, लेकिन एक और नई षड्यंत्र रोग रचते हैं कि भैया कार्ड वगैरह बनवाने के लिए क्या करते हैं कि जो दूसरी जातियां हैं जहां पर रिजर्वेशन है उनका कार्ड बनवा लेते हैं। तो वो चीज़ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहां पर हम स्ट्रिक्टली धर्म के तक रुकेंगे, रिलीजन्स जो है हमारे उन तक रुकेंगे। और धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आप किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को अपना सकते हो और उसका पालन कर सकते हो, आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। इस चीज़ का आपको अवश्य ध्यान रखना होगा कि आप जिस भी धर्म को मान रहे हैं, जिस भी धर्म को आप फॉलो कर रहे हैं, उस धर्म का आप प्रचार कर सकते हो, लेकिन आप किसी पर उस चीज़ को, उसकी पाबंदी नहीं लगा सकते कि भैया आपको ये धर्म अपनाना होगा, ये धर्म बहुत बढ़िया है, आपको ये फला फला चीज़ें मिलेंगी, आप सुबह सोकर उठोगे तो आपको चॉकलेट का एक डिब्बा इस धर्म के लोगों को अवश्य दिया जाता है सरकार की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई भी फलाना ढिमकाना बात पर आप लोगों को रिएक्ट नहीं करना है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हो और उसका शांतिपूर्वक अनुसरण कर सकते हो, बस आप किसी को फोर्स ना करिए, आप किसी की जो एक पर्सनल जो एक जोन होता है उसमें आप इंटरफेयर मत करिए। इसके साथ अगला जो हमारा अधिकार आता है वो है आपका बाल शोषण का अधिकार, या हम ये कह सकते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, बाल शोषण नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बारे में हमें बात करनी है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, इसका मतलब आप किसी भी चीज पे, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, या कोई भी रीजन हो, आप किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, या कोई जीव हो, जीव ही क्यों ना हो, आप शोषण नहीं कर सकते हो किसी का, आप उसको किसी भी तरीके से कोई भी यातना, कोई भी चोट नहीं दे सकते हो, वो एक बहुत बड़ा अपराध कहलाएगा। चार हो गए हमारे पॉइंट्स। पांचवा हमारा आता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार यानी कि आप लोगों को मैं संविधान की तरफ से पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है कि आप जहां पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपका मन करता है कि आज हम YouTube पे पढ़ेंगे, YouTube पे आज हम कुछ बढ़िया सा देखेंगे, तो आप देख सकते हो। आपका मन है कि नहीं यार YouTube पे नहीं, यार डाउटनेट पर जाके पढ़ते हैं, तो डाउटनेट की ऐप पर आकर आप पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आप चाहते हो कि नहीं यार मैं हरियाणा का रहने वाला हूं लेकिन मैं राजस्थान के किसी कॉलेज में पढ़ना चाहता हूं, तो आप बस इतना ध्यान रखना होगा कि आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हैं उनके कुछ सेट पैरामीटर होते हैं कि यार हमें हमारे स्टूडेंट्स में इक्वालिटी चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, अगर आप उनमें फिल करते हो तो वो आपको एडमिशन से नहीं रोक सकते हैं। तो इसी को ही हम बोलते हैं शिक्षा का अधिकार। साथ साथ शिक्षा के अधिकार का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति आपको आकर ये नहीं कह सकता कि भाई तुम पढ़ो लिखो मत,
तुम्हें कोई अधिकार नहीं है शिक्षा का, ये सरासर गलत चीज होगी। यानी शिक्षा का अधिकार सभी को प्राप्त है, सभी को ये अधिकार है कि वो अपने हिसाब से शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। और केवल आज से नहीं, शिक्षा का अधिकार जो है, जैसे अगर हम पुराने समय में जाएं, आप सभी बच्चों ने महाभारत देखी होगी, महाभारत में आपने देखा था कि यार जितने भी हमारे राजकुमार होते थे केवल उन्हीं को गुरुकुल में एक स्थान मिलता था। तो वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर एक तरीके से जो टैलेंट है उसको तो रखते हैं, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं देखते हैं, अवश्य टैलेंट देखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा के अधिकार का अनुसरण नहीं हो रहा था। क्योंकि जो हमारे बेचारे गरीब तबके के जो लोग थे, जो राजकुमार नहीं थे, उन लोगों को शस्त्र शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेकिन आज की तिथि पे ऐसा नहीं है। अगर आप सर्टेन पैरामीटर्स को, पैरामीटर होते हैं कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसे बिंदु जिन पर अगर आप खड़े हो जाते हैं, जिन पर आप फिट बैठ जाते हो, ठीक बैठ जाते हो, तो ये माना जाता है कि आप इस पर्टिकुलर काम के लिए, आप इस जो भी आप इस काम के लिए आप आए हैं उसके लिए आप एकदम फिट है और आपको नौकरी या पढ़ाई वढ़ाई हम यहाँ पर करने देंगे। तो कुछ इस तरीके का हिसाब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद अगले वाले पार्ट पर अगर हम चलते हैं तो वो आएगा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये अधिकार इन सभी अधिकारों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी कारण से हम क्या करेंगे, हम हमारे इस अधिकार का थोड़ा सा अलग तरीके से, इसको एक अलग कलर से मेंशन कर देंगे। तो यहां पर आप इस छठे अधिकार को बहुत ही अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे, जिसको मैंने एक अलग कलर से बेसिकली नोट कर दिया है। ठीक है, अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता क्या है। मान लेते हैं आप सभी को ये अधिकार दिए गए हैं संविधान की तरफ से, और इन अधिकारों में से किसी भी एक अधिकार का हनन हो जाता है, यानी कि पांच या ये जो हमारे अधिकार हैं इन सब में से किसी का आपका हनन हो गया है। हनन होने का मतलब है आपसे छिन गया है, आपसे ले लिया गया है वापस। अब चूंकि ये अधिकार आपसे ले लिया गया है, आपका जो ये अधिकार है इसका हनन कर दिया गया है, तो कायदे से क्या बात कही जाएगी कि यार अब आपको संवैधानिक उपचार करना पड़ेगा। अब संविधान को बीच में आना होगा और ये फैसला लेना होगा कि जिस भी व्यक्ति को ये परेशानी हुई है, जिसने भी ये समस्या उठाई है कि यार मेरे तो अधिकार ही मुझसे छिन गए हैं, मौलिक अधिकार, बताओ इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय वगैरह ये लोग बीच में आते हैं, संविधान बीच में लाया जाता है और ये देखा जाता है कि जो भी कार्य करा गया है क्या वो संवैधानिक है। अगर वो संवैधानिक नहीं है और जस्ट बिकॉज कि भैया उन्हें लगा ऐसा और उन्होंने उसके अधिकार वापस ले लिए हैं, तो उस स्थिति में एक तो उस व्यक्ति को उसके अधिकार वापस मिल जाएंगे और दूसरा जिन्होंने ये एक्शन लिया है उनके अगेंस्ट भी एक अच्छा खासा स्ट्रिक्ट एक्शन देखने को आपको मिल सकता है। तो इस प्रकार से हमने मौलिक अधिकारों के बारे में जान लिया है। अब आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क लेकर आ रहा हूं, और वो होमवर्क क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूं। होमवर्क है आप लोगों का कि आपको सभी अधिकारों के आर्टिकल्स पता करने हैं, यानी कि भाई आर्टिकल 14 कौन सा है, आर्टिकल 15 कौन सा है, 16 कौन सा है, तो इनके बारे में आपको पता करना है। सभी अधिकारों के बारे में पढ़ना, प्लस एक तो आपने अधिकारों के बारे में पढ़ लिया। अब अगर आपने अधिकारों के बारे में पढ़ लिया है तो फिर आप लोगों को यह भी ध्यान रखना होगा कि कौन से आर्टिकल में आता है, यानी कि इनकी सूची भी आपको पता करनी ही पड़ेगी। आपके पास ऑप्शन नहीं है, दोनों ही प्रश्नों को आपको करके लाना है। सूची यानी कि आर्टिकल 14 है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल
21 हो गया एटसेट्रा, कुछ इस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ के आना है। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि भैया ये हम करके लाए हैं, ये फला इसके आंसर हो सकते हैं। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि कल तक ना छोड़ के, हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उस तक ना छोड़ के आप इनका जो आंसर है वो कैसे दे सकते हो कमेंट्स में डाल सकते हो। मैं क्लास के बाद आंसर चेक कर लूंगा और ये देख लूंगा कि हमारे कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने राइट आंसर हमारा दिया है। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई हमारे आर्टिकल्स की, हमारे होमवर्क की। इसके अंदर बेटा एक और आपका अधिकार आता है और वो अधिकार है जीवन जीने का अधिकार। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके आगे हमने स्टार बना दिया है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जीवन जीने का अधिकार एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल, यानी कि काफ़ी इसके अंदर आपको ना अलग अलग एक चीज सोच देखने को मिल सकती है, जैसे जीवन जीने का अधिकार। अब भाई आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा आत्महत्या वगैरह करते हुए, तो ये कहा जाता है वैसे कि यार इसको जीवन जीने का अधिकार था लेकिन इसने उसका उल्लंघन कर दिया, यानी कि इसी वजह से जो हमारी बेसिकली जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, भाई किसी ने आत्महत्या कर ली तो काफ़ी सारी डिबेट होती रहती है, गलत है सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि यार नहीं, अगर किसी को अगर कोई इस तरीके का स्टेप लेता है तो भैया इसके अंदर हम उसको इस तरीके से एकदम सजा नहीं दे सकते हैं, या बहुत सारे कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर एस्पेक्ट आपके आ जाते हैं। तो इसी के साथ बेटा हम अपनी आज की क्लास को समाप्त करते हैं और आपसे जो हमारी अगली क्लास आपके साथ होगी उस क्लास के अंतर्गत हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे और वो ये है कि सबसे पहला काम हमें आर्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि 14 में कौन सा है, 15 में कौन सा है, इनके अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो हमारी अगली क्लास में उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन होगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है कि जो हमने आज करवाया है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यार प्लीज़ उसमें किसी भी बच्चे को कोई गलती अपनी साइड से नहीं छोड़नी है। आप लोगों को क्लास समाप्त होते ही या आज की डेट में ही इस चीज़ का पूरे चैप्टर का रिविज़न कर लेना है, जितना पढ़ा दिया गया है उतने का आपको आप लोगों को रिविज़न करना है इसमें। चलिए तो अब आप लोगों से मुलाकात हमारी होगी हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए भैया हमें बने रहिएगा हमारे साथ, याद करते रहिएगा, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।